बस दुर्घटना के चलते हर वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। मुआवजों में गई राशि के पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों ने परिवहन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इन आंकड़ों के मुताबिक हर वर्ष औसतन 70 करोड़ रुपए मुआवजे में बंट रहे हैं। इसे देखते हुए परिवहन निगम ने अब अपने चालकों की ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए अलग ट्रैक बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं। पिछले सप्ताह परिवहन निगम के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद के समक्ष मुआवजे में खर्च हो रहे धन का आंकड़ा भी सामने आया। बैठक में शामिल रहे रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य धनजी राम के मुताबिक इस खर्च से बचने के लिए तय किया गया कि रोडवेज चालकों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित कर पूरी तरह दक्ष बनाया जाए। इसके लिए प्रदेश के सभी परिक्षेत्र में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाए जाएंगे।